नमस्ते साथियों, देश विदेश में हमारे जो वीडियो देखते हैं, हमें जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, यूट्यूब पर जो हमारे दो चैनल है, गुरुकुल एजुटेक चैनल और साथ ही में मराठी में सर्पमित्र आनंद चट्टी, ये चैनल हम चलाते हैं। ढेर सारे लोगों ने, हमें चाहने वाले और सर्प प्रेमी लोगों ने हमें सराहा और यहाँ तक हमें पहुंचाया। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी जिस टॉपिक पर बोलने के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं, एक एंटरटेनमेंट हो सकता है इस विषय पर, लेकिन बहुत सारी लोगों का इस विषय पर गंभीर कुछ बातें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जो भी नॉलेज है हमें, या सांपों के प्रति ज्ञान है, इस विषय के प्रति ज्ञान है, उसके प्रति आपसे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, अभी आप देखते हैं पूरे देश भर में ज़्यादातर नाग और धामन सांप बड़े पैमाने में मिलते हैं। और मैं बेलगाम में रहता हूँ और यहाँ पर नाग सांपों की संख्या जो है ज़्यादा है। नाग मैंने जो लगभग 30 जो जातियाँ हैं उनमें से नाग 45% मिलते हैं और धामन की भी संख्या ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। तो ये सांप वैसे भी दो मिलते ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन अगर इनका मिलन काल हो, मेटिंग सीजन, तो कुछ ही ज़्यादा ही ये बाहर निकलते हैं। कभी कभी लोग अपनी ज़िंदगी में सांप अपने आस पड़ोस में नहीं देख पाते, वो भी सांप देखने लगते हैं। उसके पीछे बहुत सारी धारणाएँ हैं, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी क्या है वो आपसे हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मेरी पत्नी निर्जरा जी भी है और हमने कुछ वीडियो डाले हैं जो लोगों के आस पड़ोस में, जो लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करके बुलाया, उनकी डर के लिए हमें उन सांपों को जाके पकड़ना पड़ा। सांपों को बचाते हैं, सांपों से हमें लगाव है, और वो अगर उनका मिलन हो रहा है या नेचुरली कुदरती तौर पर जो कुछ हो रहा है, सांप मिलन होता है, गन निकालता है, अलग अलग बातें जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें बाधा डालने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और लोगों से हम वही कहते हैं, अगर हम सर्प प्रेमी हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनमें से काफ़ी लोग जो है वो ये बात समझने के पहर होते हैं, वो बात समझ नहीं पाते। और अगर लोगों के बीच में अगर सांप ऐसे हैं तो उनको पकड़ना पड़ता है। नेचर में है तो हम उसका आनंद लेते हैं, हम किस तरह से क्या करते हैं सांप, उसका स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कल ही हमारे प्रशांत जी ने वीडियो डाला है कि बस उसका वो आनंद लुप्त उठाते रहे, और साथ ही में आप सभी दर्शकों के साथ ये बात शेयर भी की और किस तरह से धामन सांप मिलन होता हुआ आपने देखा है। ऐसे जब हमें फ़ोन आते हैं तो निर्जर जी, मैं यहाँ से शुरुआत वो करें ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं अगर नहीं हूँ या दूसरे कॉल पर हूँ और उनको जाना पड़ता है तो किस तरह की दिक्कतें आती है, इस खासकर दो सांप जो होते हैं और लोग तो सामने हैं, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, तो परेशानी भी उठानी पड़ती है, खासकर लेडीज है तो ज़्यादा उठानी पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है। मैं कोई फ़र्क नहीं समझता, लेकिन कुछ लोग जो है उतना सपोर्ट नहीं करते वैसे भी, तो ये भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। तो ऐसे अगर कॉल नीरज जी आपको आते हैं तो आप किस तरह से उसका सामना करते हैं, सांपों का भी और लोगों का भी? खास करके जब हमें मिलन काल के जब सांप रहते हैं जो मेटिंग सीजन के, वो कॉल आते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। इनको थोड़ा प्रॉब्लम कम आता है क्योंकि ये तो हर जैसी भी पोजीशन हो उसको हैंडल कर लेते हैं। जहाँ पर भी कहीं पर भी जाओ वहाँ पर एक तो सेफ्टी का मुझे तकलीफ होता है, मेरे सेफ्टी का, कि आजू बाजू में सारे जेंट्स रहते हैं, वो थोड़ा मेरा पोजीशन समझ सकते हैं, लेकिन हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं रहता है तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और सांपों के बारे में बोले तो दो सांप रहते तो वो मेटिंग के लिए, मिलने के लिए, दोनों एक साथ में आने के लिए जब रहते हैं तब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको पकड़ सकती हूँ जाके उनको। तो नहीं रहते तो हमें वेट करना पड़ता है कि अलग अलग रहे तो वो दोनों एक साथ में आए, क्योंकि दोनों एक साथ में आएंगे तो हमारे पकड़ में जल्दी आ जाएंगे।
और उनको पकड़ने के लिए आसानी हो जाएगी और लोगों का भी हम डर कम कर, क्योंकि एक सांप किसी को झेलने को नहीं होता है, तो दो दो सांप, तीन तीन सांप, चार चार सांप भी रह सकते हैं, तो इतने सांप देखकर तो और भी लोग डर जाते हैं। तो उनके लिए हमें सांप पकड़ना बहुत जरूरी है। और जहाँ पर रहते गांव में अंदर, तो वहाँ के उन सांपों को वहां से निकलना भी हमें बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि एक एक मिल दिखाई देने के बाद वो लोग उनको मार सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए करके वो सब जहाँ पर जब हमें दिखते हैं जितने सांप वो पूरे मिलना चाहिए ऐसा हमें लगता है। और दोनों सांप में सांप रहे पॉइजनस रहे नाग तो ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो एक तो पॉइजन्स रहते हैं और मेटिंग सीजन के रहे तो ज़्यादा गुस्सेले भी रहते हैं, और तो वो खुद दोनों एक साथ में रहे। हमने पिछली बार एक जगह पर हमने दो सांप पकड़े, बहुत बड़े बड़े थे, हेवी थे, और दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, तो मैं दोनों को एक हाथ में हैंडल किया तो वो खुद को तकलीफ करते हैं और मुझे भी ज़्यादा तकलीफ होता है कि उनको हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि रसल स्वाइपर बैग में छोड़ा तो वो बैग में जा सकता है, मेरा वो एक टेक्निक है, इन्होंने बताया वैसा एक टेक्निक है। वैसे मैं नाग सांप को नहीं कर सकती, क्योंकि नाग सांप वैसे अंदर नहीं जाता है, वो खुद जल्दी जल्दी बाहर ही आता है, पैक नहीं होता है वैसे, तो वहाँ पर दिक्कत आती है पैक करने में, थैली में डालने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिक्कत होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं हैंडल कर सकती हूँ, वो सब सिचुएशन है मैं कवर कर लेती हूँ। बताने का मेरा ये है, इरादा है कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ हो जाती है वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, हम हैंडल करते हैं। तो मीटिंग सीजन के इस तरह का हमें बहुत बहुत तकलीफ होता है, तो लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा होगा। और सांप तो क्या उनके ऊपर रहता है, सांप का कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको तो हमें हैंडल करना पड़ता है, और बाकी का अभी यही बात करेंगे। इसमें मैं दो बातें जोड़ना पसंद करूंगा। पहली बात तो यह है कि सांप जो है, मिलन काल जो होता है, वो नेचुरली आते हैं, नेचुरल जाते हैं, उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। और आप गलत अंदाज़ा लगा के या लोगों की बात सुन के आप डरना नहीं चाहिए। आपके आस पड़ोस में ऐसे सांप दिखाई दे तो अपने आप में वो मशगूल रहते हैं आपसे, वैसे भी उनको लेना देना नहीं है, बार बार दोहराते रहते हैं। और मिलन काल से तो आपसे कुछ लेना देना है ही नहीं बिल्कुल। तो कभी कभी आस पड़ोस में सांप है तो इंसान के इतने नज़दीक घर में आ जाते हैं। अभी हमने वीडियो प्रशांत जी ने नहीं डाला शायद, तो उसमें गाय बाजू में है, उसके 1 फुट दूरी पर हमने सांप पकड़े हैं, जो हमारे झारखंड के पांडे जी मेरे साथ थे। तो इस तरह की हरकतें सांपों के साथ होती रहती है। निर्जन ने जैसे बोला कि काफ़ी गुस्से वाले भी हो सकते हैं, कभी शांत भी हो सकते हैं। स्वभाव में इतना फर्क दिखाई देता है, कभी कभी वो इंसान के ऊपर चढ़ सकते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ये सब देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर जो आप सांप देखते हैं, जो बाहर मिलन होता है, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल के लिए फाइट कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। और उसके आस पड़ोस में भी दूसरे सांप आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस वक्त हमें बुलाने के बाद आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नेचुरली वहाँ का जो वातावरण है मेंटेन करेंगे, तो सांप नेचुरली बाहर आके उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। और बार बार जो आपको डर लगता है कि कल आएगा, दूसरा आएगा, क्योंकि झूठ बोल के तो सांपों का डर दूर नहीं किया जा सकता। मादा अगर गन छोड़ती है तो उसके पीछे दूसरे नर आ सकते हैं, मतलब एक ही जोड़ी रहती है, ऐसा नहीं रहता। तो ये बात भी समझ लेना ज़रूरी है। और ऐसे आस पड़ोस में आपके सांप आते हैं, पहले तो उसको नेचुरली जाने देना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बावजूद भी आपको डर लगता है, आपके आस पड़ोस को डर लगता है, आपके परिवार के लिए उनको पकड़ना ज़रूरी है, तो सांप पकड़ने वालों को आप बुलाते हैं तो उनकी बात बहुत मायने रखती है। और वो जिस तरह से आपको बोलते हैं, या हमें जो सांप पकड़ने वाले बुलाते हैं, हम बताते हैं, वो बात सीरियसली लेना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जो सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं वो आसान भी है, लेकिन उसमें से लगभग 80% हमें कॉल नहीं हो पाते, सांप नहीं मिल पाते। उसमें से बाधा है लोगों की, मतलब भीड़ जमा होती है, इकट्ठी होती है, शोर मचा देते हैं, और सांप नेचुरली जो वो वहाँ पर डर के निकल जाते हैं। तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है हमें आप जब बुलाते हैं। अभी हम बात करेंगे ये मिलन जो मेटिंग सीजन बोलते हैं क्या है। एक्चुअली सांप एक मांसाहारी प्राणी है, नॉन वेजिटेरियन,
और मांसाहारी प्राणी का जिस तरह से मिलन होता है, मेटिंग होता है, वही मध्य नज़र रखते हुए इस सांपों का भी कुदरती तौर पर मेटिंग होता है। अभी सांप जो जन्म लेता है उसके बाद मैं एडल्ट होता है, हर सांप के बारे में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन लगभग 4 साल के बाद सांप प्रजनन क्षम के लिए तैयार होता है, मतलब पूरी तरह से एडल्ट होता है। और उसकी मादा जो है अपने चमड़ी से या गुदा से एक विशिष्ट प्रकार का स्राव छोड़ देती है, स्मेल छोड़ देती है, और उसी जाति का नर उसको आकर्षित होता है, मतलब एक गंध जो छोड़ती है मादा उसको समझ पाता है और वो मादा के पास जाता है। कभी कभी मेल जो है वही निकलते हैं और फीमेल को ढूंढने के लिए। मादा जब अपनी गंध छोड़ देती है तो उसी जाति के नर को ये गंध समझ में आता है, एक नेचुरली प्रोसेस है, मतलब तरीका है, दूसरे जाति को नहीं आती ये गंध। तो कितने भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक नाग है मादा, उसने अगर गंध छोड़ा है, उसके नज़दीक कितना भी धामन हो दूसरी जाति का सांप, और दूर अगर नर जाति का नाग है तो उसी को वो गंध समझ में आएगी, मतलब इसी एक ही जाति के सांप वो दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर लोगों में गलतफहमी है कि नाग और धामन का मिलन होता है, नाग और धामन का मिलन नहीं हो सकता, फिर बच्चे कहाँ से कौन से पैदा होंगे, धामन होंगे या नाग होंगे? नाग नाग का मिलन होगा तो नाग पैदा होता है, धामन धामन का मिलन होता तो धामन के बच्चे धामन ही होंगे। यहाँ पर और एक गलत फहमी लोगों में है कि ऐसे सांप नहीं दिखने चाहिए, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, मतलब देख के आप आनंद ले सकते हैं, ये नेचर का जो प्रकृति का एक अलग अलग कुदरती ये रहता है उसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, लेकिन उसको बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन देखने से अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, ये बात सरासर गलत है। दूसरी बात, कहीं जगह पर मैंने ये देखा है कि ऐसा देखने के बाद लाल कपड़ा डालना चाहिए, लाल कपड़ा है, हरा कपड़ा है, काला है, सफ़ेद है, इससे कुछ सांपों को फर्क नहीं पड़ता है, इससे कुछ सांपों को लेना देना भी नहीं है, वो आपको ज़्यादा अगर देख पाते हैं तो आपको डर के वो भाग जाएंगे। तो इससे कपड़ा डालने से कुछ होता है नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खास तौर पर जब मादा ये गंध छोड़ती है, नर आ जाते हैं, और नर जाति के सांप आने के बाद सीधा मादा से उसका मेटिंग होता है, मिलन होता है, ऐसा नहीं होता है, तो उसी मादा के पीछे और भी नर आ सकते हैं, उसी गंध को समझते हैं और संवेद करके आ सकते हैं। तो दो नरों की फाइट लगती है वो ऑफ मिलन करके खासतौर पर आमतौर पर लोग दिखते हैं। तो मैं बात ये दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप जो मेल फीमेल बोलते हैं वो मेल फीमेल नहीं, बल्कि दो मेल रहते हैं तो कभी कभी एक फीमेल के लिए फाइट करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ जो है इस पे अलग अलग राय रखते हैं। तो कई लोगों का कहना है कि दो नर जो है उनका मिलन होने के बाद दो नर जो है उनका फर्ज जो लगता है मादा को पाने के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कई लोगों का ये कहना है, आपको सुन के ताज्जुब होगा, कि जो दो नर है उनका भी मिलन नहीं होना चाहिए, उनका भी मिलन नहीं होना चाहिए इसलिए भी उनकी फाइट होती है, ऐसा भी देखा गया है। तो एक विशेषज्ञ ने ये भी लिखा हुआ है कि नरों में मिलन हुआ है, तो ये आपको देखे सुन के ताजुब लगेगा। और उसके बाद सांप जब मादा जब तैयार हो जाती है, अलग अलग प्रकार से नर जो है उसको आकर्षित करने की कोशिश करता रहता है, उसको अपने जीभ से टच कर लेता है, आपकी अपने पूंछ से उसको लपेटने की कोशिश करता है, मतलब इस तरह से वो प्यार जताता है, प्यार करता है। और मादा जब तैयार हो जाती है तो सांप एक साथ जुड़ जाते हैं, और सांप के पीछे, मैं धामन की बात कह रहा हूँ, धामन के 1.5 फीट लंबाई से उसका गुदा द्वार रहता है, जहाँ से वो वेस्ट प्रोडक्ट शौच करता है, वहाँ पर ये मेल जो फीमेल है, मेल अगर देखेंगे तो उसकी इंद्रिय जो रहते हैं वो अर्धशिश्नायन दो रहते हैं, और फीमेल जो है वो उसके जो गुदा रहता है वो पूरी तरह से अंदर से खोखला रहता है। ये दोनों में से खास फर्क है, नहीं तो नर और मादा में ज्यादातर फर्क नहीं दिखाई दे पड़ता। अपवाद भी है, क्योंकि मादागास्कर मैलेगेसी अफ्रीका में देखा गया हुआ लैघा अलाउड़ा,
ई जाति के जो नर और मादा है उनमें फर्क है। ई जाति के नर को एक ही प्रकार का सिंह जैसा एक उसके जैसे हमारा सर लता साहब जो रहता है वो चोंच जैसा ऐसा उसका ये रहता है सामने मुंह रहता है उसी तरह का ये सांप है, लेकिन एक इसका एक ये दिखाई देता है धारीदार ऐसा दिखाई देता है, और जो मादा रहती है उसको सिंह जैसा या ऐसा डिजाइन किया हुआ अलग सा एक सिंह उसके नाक पर दिखाई देता है। और दुनिया में इसको आसानी से पहचान जा सकता है कि ये मेल है या फीमेल है। मेल पे एक ही सिंह रहेगा उसके नाक पर और फीमेल के अलग अलग प्रकार की डिजाइन रहेगी, उसको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन खास तौर पर गुदा से उसकी पूंछ जो रहती है, गुदा द्वार सांपों का रहता है, उसकी जो पूंछ रहती है कुछ मेल की लंबी रहती है कुछ फीमेल की लंबी रहती है, लेकिन मेल जो है उसका जो शौच करने की जगह रहती है ना गुदा द्वार रहता है थोड़ा सा चौड़ा रह सकता है क्योंकि अर्धशिष्णु वहां पर बैठे हुए रहते हैं, लेकिन ये जो मादा की रहती है ज्यादातौर पर उसकी पूंछ छोटी रहती है मेल से और उसकी जो चौड़ाई रहती है नर नर के पूंछ से भी थोड़ी सी कम रहती है, मतलब वो पूंछ चौड़ी ज्यादा नहीं रहती। ये मेल और फीमेल में फर्क होता है। और मिलन करते वक्त मादा जिस साइड पर है उसी साइड का शिश्न जो है फीमेल केस में गुदा में मतलब यूनिद्वार में मेल घुसा पाता है। और ये जो क्रिया मैं मांसाहारी प्राणी की बात कर रहा हूँ, मिलन होने के बाद उसका शिश्न उसमें अटक जाता है, मतलब इसी तरह से सांप कुछ घंटों तक मिनटों तक पड़ा रहता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विशेषज्ञों ने इसका जिक्र इस तरह किया हुआ है, रैटल स्नेक जो झुंझुना जैसे पूंछ पर बजाता है अमेरिकन रैटल स्नेक, इस सांप में देखा गया है कि यह सांप 22 घंटा 45 मिनट तक इसी तरह पड़े हुए थे ऐसा देखा गया है। और हमारा भारतीय अजगर जो है वो 1 तास 35 मिनट तक इसी तरह देखा गया है ऐसा देखा गया है, मतलब कुछ मिनटों तक इसी तरह सांप पड़े रहते हैं। अगर उसी वक्त उनको ये अगर शिश्न उसका अटका हुआ है उसको अगर बाहर खींचने की कोशिश की तो वो बाहर नहीं निकल के आता, और अगर इस तरह से उनको बीच में निकाल दिया तो पूरी तरह से मादा में जो शुक्राणु डालता है नर ये उसमें जा नहीं पाता या गर्भधारण ना होना मुश्किल भी हो सकता या नहीं हो पाती, ये भी देखा गया है। ये साइंटिफिक बातें एक बहुत सारी आम लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप कुछ बातें समझ पा रहे होंगे और वीडियो भी लंबा बन जाएगा। मिलन के बाद जो मादा रहती है उसमें से लगभग 40% जो सांप रहते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं 35 से 40% तक, और 60% से भी ज़्यादा अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। गर्भधारण होने के बाद तकरीबन 50 या 60 दिन के बाद लगभग 70 दिन के बाद बच्चे निकल आते हैं सीधा जो वाइपर यानी घोनस वगैरह सांप है वो बच्चे पैदा करने वाला सांप का बता रहा हूँ वो बच्चे पैदा करते हैं। धामन या नाग है वो अंडे डालते हैं, नाग लगभग 25 तक अंडे डालता है और धामन है लगभग 15 तक अंडे डाल सकती है। अंडे डालने के लिए भी तकरीबन 50 से 60 दिन लग सकते हैं और उसके बाद 50-60 दिन बाद वो अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और अंडे विशिष्ट तरीके से एक जगह पर डाले जाते हैं और ये अंडे तैयार होना अंडों से बच्चे निकलना किस तरह की इसमें जो प्रोसेस चलती रहती है इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन मिलन काल पर ये जो वीडियो हम बनाना चाहते थे, देखिए अलग अलग उसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन अंधविश्वास गलत फहमियाँ नहीं रहना चाहिए। सांपों का मिलन वो बड़े पैमाने में देश भर पाया जाता है और हमने अभी तक 10 से भी ज़्यादा जोड़ियाँ पकड़ी है, और हमने वीडियो का नाम जो डाला है कि आई मिलन की बेला, तो घोनस का मिलन होता है लगभग नवंबर के दरमियान वो ज़्यादा निकलते हैं, अलग अलग उनका परेड रहता है। कुछ सांप जैसे देखा गया कि उत्तर भारतीय भारत में ढोरिया जाति का सांप अंडे डालता है तो मार्च निकलता है, लेकिन यहाँ पर सितंबर में दक्षिण भारत में देखा गया है। यानी अलग अलग सांपों का जो है अध्ययन भी बहुत सारा उसमें होने का बाकी है, विशेषज्ञों की अलग अलग उसके ऊपर राय भी है, लेकिन नाग नाग और धामन धामन का ये मिलन होने का अभी सीजन मेटिंग सीजन जो है परेड चल रहा है। आपके आस पड़ोस में ऐसे सांप दिखाई देते हैं, खासतौर पर धामन सांप है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल भी हमने एक जगह पर पकड़े सिर्फ लेडीज थे वहाँ पर, काफ़ी लोग डरे हुए थे लेकिन इस सांप से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ दिक्कत नहीं है।
अपने आप मादा को देख के वो मिलन मेल आ जाते हैं, और मेल की फाइट आप देख पाते हैं, और उसके बाद मादा का मिलन होता है और बच्चे पैदा, आप बच्चे पैदा होते, सांप बढ़ते, इसी की चिंता ज्यादा करने से सांप को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही एक तरीका है। हम जितना ज्यादा बताएंगे, या चित्र या पोस्टर या फिल्मों से डिस्कवरी से ज्यादा नॉलेज नहीं होता, और हमारे जो वीडियो देखते हैं उससे आप लगभग समझने की कोशिश करें, और आपके आस पड़ोस के सांपों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, वैज्ञानिक तरीकों से देखेंगे, तो डर सांप को पहचान सकते हैं, और डर भी दूर हो सकता है। इसमें काफी डर भी रहता है, जो मिलन नहीं देखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब बातें गलत है। आप देख सकते हैं, उनको बाधा ना पहुंचाए, उसको नेचुरल तरीके से जीने दे, जियो और जिनो जीने दो का सिद्धांत है, उनको ऊपर भी लागू पड़ता है, पर्यावरण में उनको भी जीने का अधिकार है। बस हम इस वीडियो में यही, यहाँ तक ही, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। सब्सक्राइब आप कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइएगा। आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, और कुछ सवाल जो आपकी वीडियो भी हम आगे आपके सामने रखने वाले हैं, तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखते हुए आप सवाल हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर हम रुकते हैं, धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे जो थंब बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब है उसे दबाएं, और साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबाएं। धन्यवाद।